1891 में आज ही के दिन श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म हुआ था। साल 1920 में राज नांदगांव में मिल मजदूरों ने हड़ताल की थी, जो 37 से भी अधिक दिनों तक चली और मिल अधिकारियों को मजदूरों की सभी मांगे माननी पड़ी। इस हड़ताल का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल ने किया था। साल 1920 में प्यारेलाल पहली बार महात्मा गांधी के संपर्क में आए। असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और गिरफ्तार होकर जेल भी गए। साल 1945 में अविभाजित मध्य प्रदेश के बुनकरों को संगठित करने के लिए उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना हुई थी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को शोषण और अत्याचार से मुक्त कराने की दिशा में सदा सक्रिय रहे। 1898 में आज ही के दिन मैरी क्यूरी और उनके पति पियर ने रेडियम की खोज की थी। खनिज का अध्ययन करते हुए जब उन्होंने उससे यूरेनियम अलग कर दिया तो पाया कि बाकी बचे हिस्से में भी अभी भी कोई रेडियोधर्मी तत्व बाकी है। उन्होंने इस तत्व को रेडियम नाम दिया। साल 1910 में क्यूरी और आंद्रे लुइस डेबेरियन ने विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से रेडियम को शुद्ध धातु के रूप में अलग किया, जिसके बाद साल 1936 को अमेरिका में पहली बार कृत्रिम रेडियम बनाया गया। यह रेडियम ई कहलाया। यह प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला पहला रेडियोधर्मी तत्व था। रेडियम की चमकीली प्रकृति के कारण इसका इस्तेमाल शुरू में पेंट, कपड़ों, घड़ी की सुइयों इत्यादि में हुआ। इसके अलावा कई चिकित्सीय कारणों से इसका इस्तेमाल दंत मंजन, बालों की क्रीम और कई दूसरी दवाइयों के अलावा कैंसर के इलाज के लिए भी हुआ। लेकिन 1940 तक आते आते इसकी रेडियोधर्मी प्रवृत्ति की वजह से विकिरण के नुकसान सामने आए और इसके पेंट, कपड़ों या दवाइयों के इस्तेमाल में कई देशों में पाबंदी लगा दी गई। 1939 में आज ही के दिन हिंदी गद्य साहित्य के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग विधायक महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था। साल 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक का पद संभाला और हिंदी भाषा के निर्माण का दायित्व बखूबी निभाया था। उन्होंने हिंदी भाषा में मौलिक लेखन और संस्कृत अंग्रेजी सहित कई भाषाओं की महत्वपूर्ण पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। द्विवेदी जी की रचनाओं का महत्व संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है कि उनके समय में अधिकांश साहित्यकार और विद्वान हिंदी भाषा में साहित्य की रचना तो कर रहे थे, लेकिन ज्ञान विज्ञान के अन्य विषयों को व्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा को माध्यम नहीं बना रहे थे। देवी स्तुति शतक, कान कुब्जा वली व्रतम, समाचार पत्र संपादक इस्तवा, नागरी, कान कुब्ज अबला विलाप और काव्य मंजुषा उनकी बेहतरीन रचनाएं हैं। 1962 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और ब्रिटानी प्रधानमंत्री हैरल्ड मैकमिलन ने बहामास में बातचीत के बाद एक बहुआयामी नेटो परमाणु बल बनाने का फैसला किया था। इस समझौते के मुताबिक अमेरिका अब ब्रिटेन को पोलारिस मिसाइल भेज सकेगा। राष्ट्रपति कैनेडी ने फ्रांस के सामने भी यही प्रस्ताव रखा था, जिससे एक त्रिपक्षीय सौदा हो सके। पोलारिस एक ऐसी रॉकेट प्रणाली थी जो पानी के भीतर ही पनडुब्बी के जरिए छोड़ी जाती है। इसमें आधे मेगाटन का परमाणु हथियार होता है। समझौते के तहत ब्रिटानी सरकार पनडुब्बी बनाएगी और पोलारिस के लिए हथियार तैयार करेगी, जिसमें अमेरिकी तकनीकी सहयोग होगा। लेकिन इस समझौते के बाद यह आशंका व्यक्त की जाने लगी कि ब्रिटेन अपने परमाणु प्रतिरोध के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर हो जाएगा। 3 दिवसीय शिखर वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें मैकमिलन ने साफ किया कि पोलारिस मिसाइल का इस्तेमाल नेटो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। और 1988 में आज ही के दिन स्कॉटलैंड की सीमा के नजदीक लॉकरबी शहर में एक पैन एम 747 जंबो जेट 258 यात्रियों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में सभी लोग मारे गए थे। फ्लाइट 255 वयस्कों और 3 बच्चों के साथ भरी हुई थी। बोइंग 747 लंदन के हीथरो हवाई अड्डे से शाम 6 बजे उड़ा और न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे जा रहा था। 7 बजे के कुछ ही देर बाद विमान रडार से गायब हो गया और 7:08 पर खबरें आईं कि स्कॉटलैंड की सीमा से 15 मील उत्तर में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। दुर्घटना का पूरा ब्यौरा तो नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि विमान कारों और घरों पर जा गिरा है, जिसके बाद शहर के हिस्से खाली करा लिए गए और एक बड़े से हॉल को शरणार्थी केंद्र बना दिया गया।